सीक्वेंस एंड सीरीज कह लीजिए या सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये टॉपिक स्टार्ट कर, ठीक है, जिसमें नंबर्स करेक्टर्स और कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक फिक्स पैटर्न में लिखी हुई हो। द नंबर पैटर्न है नंबर पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल, अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। That will be a sequence. For example, जैसे कि ये लिखा है 1, 4, 9, 16 natural numbers का square है, this will be a sequence. ये एक rule हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये सभी natural numbers के squares हैं. Second, 1, 3, 5, 7 ऐसे लिखा है, natural numbers लिखे हैं. This is a sequence. ठीक है, सीरीज और सीक्वेंस वर्ड में देखिए क्या डिफरेंस है. इफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज अ सीक्वेंस देन इसी को प्लस करके लिख दे, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इस सीरीज को, दिस इज कॉल्ड a series. Progression. Push terms follow. Certain rule. Or pattern. Or called progression. वो तो वैसे sequence में भी certain कोई particular rule है जिसके पढ़ते हैं इसमें progressions. Are sequences types are progressions. Types of progressions. जिसमें first one है arithmetic progression. Arithmetic progression. Also known as AP. Arithmetic progression or AP. इसमें इफ डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इट्स ऑलवेज सेम throughout the sequence. Throughout the sequence. Then it is called arithmetic progression. Abbreviation AP. क्या कहा गया, डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म, एक टर्म और उसके जस्ट पहले वाले टर्म का डिफरेंस अगर सेम है तो उसे कहा देंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर एपी।
और ये डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस. दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. दिस इज कॉमन डिफरेंस और जनरली किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी. देखें इफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन माइनस वन ए एन आर इन ए पी, ये एक सीक्वेंस है ए पी में, देन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन ए टू माइनस ए वन करिए या ए थ्री माइनस ए टू करिए या ए एन माइनस वन करें, ये सभी इक्वल होते हैं. कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होगा, इसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस और उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट लिखें इफ ए इज फर्स्ट टर्म, इफ ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, इफ ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, देन स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एपी विल बी, ए फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस डी है तो सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस टू डी, नेक्स्ट ए, इस तरीके आते जाएंगे. ये होगी स्टैंडर्ड अपीयरेंस एपी की. अब एपी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम लोग. फर्स्ट प्रॉपर्टी है एनएथ टर्म ऑफ एन एपी, एनएथ टर्म ऑफ एन एपी विल बी इक्वल टू, एनथ टर्म को पी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी. क्या है एनथ टर्म ऑफ एपी, पी एन ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी. जनरल टर्म भी कह सकते हैं आप. जनरल टर्म किसी भी सीक्वेंस का वो टर्म होता है जिसकी हेल्प से हम बाकी सभी टर्म लिख सकें. एन की वैल्यू यहाँ वन रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, टू रखेंगे सेकंड टर्म आ जाएगा. इसी को कई बार लास्ट टर्म भी कहते हैं. इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्म्स, देखें इफ एल इज लास्ट टर्म ऑफ एन एपी having n terms, जिसमें n terms हैं, उसका last term l है, तो l ही क्या हुआ nth term, तो l को आप a plus n minus 1 into d लिख सकते हैं. बहुत ही basic point है starting, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बताइए, किसी को कोई problem हो तो पूछता जाए. Next है sum of n terms of an AP, sum of n terms of an AP will be equal to Sn, से denote किया गया sum n terms of n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. ये होता है formula. इसी को आप ऐसे ले सकते हो n by 2 a plus l, first term plus last term. Sn को प्रोवाइडेड लास्ट टर्म कौन सा है, nth टर्म l है लास्ट टर्म और दैट इज nth टर्म. ठीक है, इसका प्रूफ कैसे आएगा, वो बेसिक इम्पॉर्टेंट है कई अच्छे क्वेश्चंस में, बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस में भी यूज होता है और कई बहुत अच्छे क्वेश्चंस में ये बेसिक यूज होती है, इसलिए मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ. ए प्लस डी ए प्लस टू डी सम ऑफ एन टर्म्स, मैंने लिख लिया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड, ए प्लस एन माइनस टू इन टू डी
n minus 1 in the term plus a plus n minus 1 in 2d. कैसे अप्रूव करते हैं? इसी सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, पहले लास्ट टर्म लिखिए a plus n minus 1 in 2d, फिर a plus n minus 2 in 2d. तो a plus b plus c लिखो या c plus b plus a लिखो, सम तो वही रहेगा. रिवर्स लिख दिया, अब ऐड कर दीजिए. तो ऐड करेंगे 2sn बराबर, यहाँ क्या आएगा फर्स्ट वाला 2a plus n minus 1 in 2d. नेक्स्ट वन भी क्या आएगा 2a plus n minus 1 in 2d. सभी 2a plus n minus 1 in 2d आएंगे, मतलब into n times. 2 से डिवाइड करोगे तो यही सम ऑफ n टर्म्स आ गया, n by 2, 2a plus n minus 1 into d. देख ले नेक्स्ट पॉइंट इसका, देखें फटाफट नोट करते जाएं. इफ d इज ग्रेटर देन 0, d क्या था कॉमन डिफरेंस, ग्रेटर देन 0 हो तो हम कहते हैं वो AP इंक्रीजिंग AP है. कहीं इंक्रीजिंग AP लिखा है तो इसका मतलब D ग्रेटर देन 0 है, एंड D लेस देन 0 है तो दैट इज डिक्रीजिंग AP. D इज इक्वल टू 0 हो तो दैट विल बी कांस्टेंट AP. कांस्टेंट AP मींस ऑल टर्म्स आर इक्वल. D 0 हो गया तो सभी टर्म्स इक्वल हो जाएंगे, A A A A ऐसे आ जाएगा. नेक्स्ट लिखें, इफ ए वन ए टू ए थ्री ए एन माइनस वन ए एन आर इन ए पी, मान लीजिए एन टर्म्स हैं ए पी में है, विथ कॉमन डिफरेंस, इनका कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका डी, देन अगर इसी ए पी को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ऐसे लिख दें तो क्या होगा, अब ये सीरीज आर ऑल्सो इन एपी, ये भी एपी में होगा विथ कॉमन डिफरेंस. अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, माइनस डी. ध्यान दें इस बार कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस डी. ठीक है नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए बी सी आर इन एपी, मान लीजिए थीन टर्म है ए बी सी वो ए पी में, देन सेकेंड माइनस फर्स्ट विल बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, तो यहां से आ गया टू बी बराबर ए प्लस सी. नंबर सेवन, इफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन आर इन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस डी, मान लीजिए एपी के सभी टर्म में मैं कोई रियल नंबर ऐड कर देता हूँ ए वन प्लस के ए टू प्लस के ए थ्री प्लस के, अब बताइए ये सीक्वेंस कौन सी होगी, क्या होगा कृष्णा? सर एपी होगी, आर इन एपी. यस सर एपी होगी, कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा, डी रहेगा, क्योंकि जब सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो के कैंसिल हो जाएगा, ए टू प्लस के माइनस ए वन प्लस के कैंसिल हो जाएगा, फिर से यहाँ माइनस करेंगे तो के कैंसिल हो जाएगा, मतलब डिफरेंस वही रहेगा जो पहले था. सब में सेम टर्म सब्ट्रैक्ट करें, ए वन माइनस के ए टू माइनस के ए थ्री माइनस के, देन ऑल्सो दे विल बी इन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस सेम डी. सब में सेम टर्म मल्टीप्लाई कर दें, ए वन के ए टू के ए थ्री के, सेम रियल नंबर ऐड करने से सब्ट्रैक्ट करने से एपी ही रहती है, सेम कॉमन डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करने से भी एपी रहती है, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, डी के हो जाएगा. देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, के कॉमन ए टू माइनस ए वन की जगह लिखा डी, के से डिवाइड करें ए वन बाई के ए टू बाई के ए थ्री बाई के, अब क्या होगा कॉमन डिफरेंस डी अपान के आ जाएगा. कोई दिक्कत है इसमें? नो सर. अनुराधा आपको समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है बेसिक पॉइंट्स है, फिर भी अगर किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिएगा. okay, अभी हम लोग एपी के सारे पॉइंट्स एक साथ कवर कर रहेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे. okay, नेक्स्ट वन,
A1, A2, A3 are in AP with common difference D. मान लीजिए एक सीक्वेंस है AP के साथ, अगर हम अब इसमें टर्म एक एक टर्म छोड़ के टर्म लेने लग जाए, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे अगर आप टर्म लेते हो, देन टर्म्स इन रेगुलर इंटरवल, टर्म्स टेकन इन रेगुलर इंटरवल, टर्म्स टेकन इन रेगुलर इंटरवल विल ऑल्सो फॉर्म एपी. जैसे मान लीजिए ऐसे ले ले A1, फिर A2 को छोड़ दिया A3, फिर A5, A7, तो ये AP होगी. कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2D. मान लीजिए A1, फिर मैं लेता हूँ A5, फिर A9, फिर A13, अभी क्या होगा? AP. कॉमन डिफरेंस बोलो जल्दी से. 4D. देखो डायरेक्ट आप देख सकते हो, यहाँ से देखो डिफरेंस, ये देखो करो, 2-1 1 है, 3-2 1 है, तो 1 × D है. 1-3, 3-1 यहाँ क्या है? 2. 5-3 2, 7-5 2, ये सेम है, तो मतलब सेम रेगुलर इंटरवल है. कितना हुआ? 2 × D. 5-1 4, 9-5 4, 13-9 4, 4 × D. कॉमन डिफरेंस 4D. ऐसे लिखें A1, AK+1, A2K+1, A3K+1, ये भी AP है. कॉमन डिफरेंस जल्दी बोलो. KD. ठीक है ना? 9th point. दो सीक्वेंसेस हैं, दोनों AP में है. A1, A2, A3, AN AP में है. कॉमन डिफरेंस इसका D1 है. B1, B2, B3, BN भी AP में है. कॉमन डिफरेंस D2 है. दो AP हैं, तो अगर दोनों को ऐड कर दें, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, ऐसे लिखें अब तो AN प्लस BN, तो क्या होगा? तब भी AP बनेगी. कॉमन डिफरेंस D1 प्लस D2 हो जाए. सबट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस D1 माइनस D2 की AP बन जाएगी. दो AP को ऐड कर दें करिस्पॉन्डिंग टर्म्स को, नंबर ऑफ टर्म्स दोनों AP में सेम होने चाहिए, नहीं तो जितने टर्म कॉमन है केवल वहां तक की बात कर रहे हैं, तो AP बन रही है. कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, That is 1 plus 2 plus 3 up to n. किसी को आप summation n भी लिख सकते हो. ये भी एक AP है, common difference 1 है. क्या हुआ? n by 2, first term plus last term, 1 plus n means n plus 1. तो summation 1 plus 2 plus 3 up to n का sum होता है n into n plus 1 by 2. Sum of first and even natural numbers. Sum of first and even natural numbers, that is 2 plus 4 plus 6 up to 2n. Even number lena, odd number nahi lena. Tabhi ye hai n by 2, first term plus last term, AP hai. 2 cancel ho gaya, to matlab answer aage n into n plus 1. Sir, 9th point mein sum kar sakte hain common difference ka ya subtract bhi kar sakte hain? सबट्रैक्ट भी कर सकते, मतलब अगर सबट्रैक्ट करोगे तो सबट्रैक्ट आएगा कॉमन डिफरेंस का. A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, A3 माइनस B3, AP होगी. कॉमन डिफरेंस D1 माइनस D2 होगा. A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, कॉमन डिफरेंस D1 प्लस D2 होगा. ठीक है. थर्ड, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स. वन प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 2n-1, उसी को आप समेशन 2n-1 भी लिख सकते हो. इसकी वैल्यू देखो, n टर्म्स है, n by 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 1 प्लस 2n-1, 1 कैंसिल हुआ, ये 2 कैंसिल हुआ, कितना आएगा? n स्क्वायर. फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर हम क्या होता है? n स्क्वायर होता है.
पॉइंट नंबर 11 अब कहीं क्वेश्चन में लिखा है देर आर थ्री टर्म्स इन एपी टर्म्स नहीं है आपको अपनी तरफ से अज्यूम करने के फिर सॉल्व करना है तो आप क्या अज्यूम करते हो जनरली a माइनस डी a a प्लस डी थ्री टर्म्स इन एपी कैन बी टेकन एज a माइनस डी a a प्लस डी विथ कॉमन डिफरेंस इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा डी अब कोई कहे कि ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ले लिया तो क्या गलत है कोई गलत नहीं है इससे भी आ जाएगा आएगा इसमें केवल सब ज्यादा है जब सम दिया हुआ हो अगर सम तीन टर्म का दिया है लिखा दे आर थ्री टर्म्स इन एपी उस सम ही सम दिया होता है तो यहाँ क्या होगा डी कैंसिल होगा ए तुरंत आ जाएगा तो एक अननोन मिल जाएगा दूसरा अननोन निकालने के लिए एक और कंडीशन दी होगी बाकी आप इससे कर रहे हो तो गलत नहीं है और सम नहीं दिया है तो आप इससे करिए या इस तरीके से करें कोई दिक्कत नहीं है खास तौर से जब सम दिया हुआ हो तो कैलकुलेशन इससे काफी इजी हो जाती है ठीक है ये फोर टर्म्स की बात करें इन एपी अगेन सम दिया हुआ हो तो ये एज्यूम करने से फायदा होगा ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस प्लस थ्री डी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है 2d एपी का इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल में a माइनस डी ए प्लस डी लिखिए और कॉमन डिफरेंस 2d के साथ उसके दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स लिखते जाएंगे यही ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म a लिखिए और उसके दोनों तरफ नंबर ऑफ टर्म्स लिखते जाइए वैसे जनरली क्वेश्चन थ्री पर ज्यादा होते हैं फोर पर एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं बाकी पर बहुत ही कम क्वेश्चन मिलते हैं फिर फाइव टर्म्स लिखे हैं तो ए लिखा आपने फिर कॉमन डिफरेंस डी के साथ टू टर्म्स इसके राइट साइड में और टू लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो फाइव टर्म हो जाएंगे तो ऐसे लिखना है ये कॉमन डिफरेंस डी आएगा सिक्स लिखने हो तो पहले मिडिल टर्म में लिख लीजिए ए माइनस डी ए प्लस डी इनका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया टू डी सिक्स में से टू हट गए फोर टर्म और लिखना है तो टू इसके राइट में लिखिए और टू लेफ्ट में लिखिए कॉमन डिफरेंस 2d के साथ यही आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 2d के साथ सिक्स टर्म्स एज्यूम करने हो एपी में तो इस तरीके से लेंगे ये था पॉइंट नंबर 11 पॉइंट नंबर 12 अगेन सम ऑफ टर्म्स equidistant from the beginning and in an AP sir pata kaise chalta hai 5 6 वगैरह अगर खुद से देखा जाए तो कि कौन सी टर्म्स लेनी चाहिए खुद से देखा जाए ठीक है खुद से नहीं देखना होता बेटा अगर तुम्हें कहा जाए खुद से देखो कि कौन से आईआईटी में लोगे एग्जाम नहीं देना है तो कौन से में लोगे लेकिन एग्जाम लिया जाता है मतलब क्वेश्चन में दिया जाता है कि फाइव लेने हैं सिक्स लेने हैं क्वेश्चन में जो दिया होगा उतने लेंगे अपने मन से नहीं लेना है कि फाइव ले लें या फोर ले लें क्वेश्चन में जो दिया होगा क्वेश्चन में लिखा है देयर आर फोर टर्म्स तो हम फोर टर्म्स के अकॉर्डिंग करेंगे थ्री टर्म्स या थ्री टर्म्स के अकॉर्डिंग करेंगे ठीक है Yes. 12th. Sum of terms equidistant from the beginning and end in an AP is constant and is equal to sum of first and last term. A 3 2 an minus 2 an minus 1 an are in AP ye AP mein then kya kaha gaya sum of
टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग से जो जितने डिस्टेंस पर है वही एंड से डिस्टेंस पर है, मतलब स्टार्टिंग से अगर थर्ड टर्म ले और लास्ट से थर्ड टर्म ले इन दोनों का सम, या स्टार्टिंग से सेकंड ले और लास्ट से सेकंड टर्म ले इसका सम, ये दोनों सम कांस्टेंट होंगे, सेम होंगे मतलब, और ये बराबर होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर, कोई भी दो ले लीजिए। या सबसे आसान क्या है, स्टार्टिंग लास्ट ना देख करके आप बस ये देख लो, यहाँ जो सब स्क्रिप्ट लिखा हुआ है इनका सम देखिए, अगर ये सेम है तो वैल्यू सेम होगी। n माइनस टू प्लस थ्री कितना हुआ, n प्लस वन, n माइनस वन प्लस टू कितना हुआ, n प्लस वन, वन प्लस n, n प्लस वन। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, एट एन प्लस, बताइए यहाँ क्या लिखे, n माइनस नाइन, देखो इन दोनों का सम क्या हुआ, n प्लस वन। तो ऐसे लिख देते हैं ए आर प्लस, क्या लिखे बताइए, एन प्लस वन माइनस आर, देखिए दोनों का सम एन प्लस वन, ठीक। अगर दोनों का सम एन प्लस वन आ रहा है तो वैल्यू सेम होगी। एलएचएस में अगर दो टर्म है तो आरएचएस में भी दो टर्म होने चाहिए, एलएचएस में अगर थ्री है तो आरएचएस में भी थ्री हो, तो यही सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी लगा सकते हो। मान लो ऐसे लिख दो मैं ए टू प्लस ए टेन प्लस ए ट्वेंटी, कितना हुआ इन तीनों का सम बताओ, थर्टी टू। अब इधर जो टर्म लिखा है, मान लो मैंने लिख दिया ए फाइव प्लस ए एट प्लस ए लैम्डा, लैम्डा बताओ, तो यहाँ थ्री टर्म्स हैं एलएचएस में, आरएचएस में भी तीन होने चाहिए, इक्वल कर दो बस इस सब इसके साथ, थर्टी टू बराबर फाइव प्लस लैम्डा प्लस एट प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, नाइनटीन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लिखने के लिए इस तरह से, बाकी कैलकुलेशन देखिए इस तरह से करना है और आसान है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। कोई डाउट है बताइए। तो लेफ्ट साइड में जो सबस्क्रिप्ट है उसका राइट साइड के इक्वल होगा सम, हाँ सब स्क्रिप्ट का सम जो नीचे लिखे हैं नंबर्स उनका सम जोड़ लो, एलएचएस में और आरएचएस में सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स एलएचएस में आरएचएस में सेम होना चाहिए, एलएचएस में दो लिखे हैं तो आरएचएस में भी दो होंगे, LHS में थ्री है तो RHS में भी थ्री होने चाहिए, ठीक है। Yes, sir. Next one देखते हैं, 13th. अगर कहीं लिखा है PS a term from end in an AP और एनी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस में, ये तो जनरल पॉइंट है, किसी सीक्वेंस में लिखा है पी ए थर्ड टर्म निकालो एंड से, तो उसको क्या लिख सकते हो आप, एन माइनस पी प्लस वन ए थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, अगर टोटल एन टर्म है तो, मान लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आपसे कहा गया सिक्स टर्म थे, एन की वैल्यू कितनी हुई सिक्स, लास्ट से सेकेंड टर्म बताओ, मतलब सेकेंड टर्म लास्ट से, अब पी की वैल्यू कितनी हुई टू, अब देखो स्टार्टिंग से वो कौन सा टर्म हुआ, एन माइनस पी मतलब सिक्स माइनस टू प्लस वन, फिफ्थ टर्म हुआ, यही लिख रहे हैं एन माइनस पी प्लस वन टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। अगर उसको स्टार्टिंग से कैलकुलेट करना है तो ऐसे करो, और कोई जरूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग से कैलकुलेट करो, ऐसे लिखा ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस एन माइनस वन डी, ये एक एपी थी, इसमें लास्ट से पी ए थर्ड टर्म पूछा है, तो आप एपी को उल्टा लिख लो, इसको आप ये फर्स्ट बन जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या बन जाएगा, उल्टा लिखोगे तो कॉमन डिफरेंस माइनस भी बन जाएगा और पी ए थर्ड टर्म लिख दो और उससे पी ए थर्ड टर्म लिख लो, रिवर्स में लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो। अगर कहीं लिखा है कि एक सीक्वेंस में इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो उस इफ अ सीक्वेंस इज हैविंग इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, देन नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी टेकन एज टू एन, कहीं इवन लिखा हो तो टू एन,
और यही ऑड लिखा हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी टेकन एज 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 वेयर n इज नेचुरल नंबर. देख लें बताएं कोई दिक्कत है अभी तक. एक दो पॉइंट और देखते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं. 15th for any sequence if sum of n terms, ये AP के लिए नहीं है, किसी भी सीक्वेंस के लिए अगर सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है SN, ठीक है, तो इस n को अगर आप n माइनस 1 से रिप्लेस करोगे तो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स का आ जाएगा. सम क्या होगा वो एस एन माइनस 1. अगर आपसे बोला जाए nth टर्म बताओ सीक्वेंस का, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, तो आपको सिंपली क्या करना है एस एन माइनस 1 nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ n टर्म्स दिया हो तो एस एन का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू n माइनस 1 nth टर्म प्लस nth टर्म. और n माइनस 1 का मतलब है t1 प्लस t2 अप टू tn माइनस 1. जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, बचेगा केवल tn. हो गया ऐसा. एक पॉइंट और देखते हैं, पॉइंट नंबर 16. इफ सम ऑफ n टर्म्स of a sequence is Sn is equal to An square plus Bn. Quadratic है n में लेकिन constant term नहीं है इसमें. देखिए An square plus Bn plus C नहीं, An square plus Bn हो then sequence will be AP. तो ये sequence AP है with first term का फर्स्ट टर्म ए प्लस बी होगा एंड कॉमन डिफरेंस 2a होगा 2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर. कैसे देखिए n की जगह अगर 1 रखते हैं s1 क्या हुआ फर्स्ट एक टर्म का सम, एक टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म ही, n की जगह 1 रखिए. s2 मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, n की वैल्यू 2 रखिए 4a प्लस 2b. इसमें से इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो t2 आएगा, कितना आएगा वो 3a प्लस b. s3 T1 प्लस T2 प्लस T3 थ्री टर्म्स का सम 9A प्लस 3B. इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए T3 आ जाएगा, कितना है 5A प्लस B. अब देखिए T1 माइनस T2 2A है, T3 माइनस T2 2A है, तो सेम कॉमन डिफरेंस है तो ये सीक्वेंस क्या होगी AP. नोट कर लीजिए ये सभी पॉइंट्स, किसी को भी किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो बताएं, क्वेश्चंस करें. हम लोग क्वेश्चंस करेंगे AP पर. सभी पॉइंट समझ में आ गए? ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं पेपर, फटाफट बनाइएगा. इफ सिक्स्थ एंड 11th टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 32 Then find its 20th term. Sorry, but last one point to pick कर दीजिए. AP के n terms का sum, नहीं किसी भी sequence के n terms का sum दिया है, an square plus bn quadratic दिया है n में, constant term 0 है. तो वो सीक्वेंस एपी होगी जिसका फर्स्ट टर्म ए प्लस बी होगा और कॉमन डिफरेंस 2a होगा. ये हमने यहाँ प्रूव किया है, n की जगह 1 रखा तो s1 आ गया फर्स्ट टर्म का सम, फिर s2 फर्स्ट 2 टर्म का सम, s3 फर्स्ट 3 टर्म का सम. वहां से हमने t1 t2 t3 कैलकुलेट किया, देखा कि इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 2a है, तो ये एक एपी बन रही है. ठीक है, क्वेश्चन बनाइए अब जल्दी से. 59
89 कि 59 59 ठीक है. फर्स्ट टर्म ए ले लें कॉमन डिफरेंस डी, तो सिक्स टर्म यहाँ दिया हुआ है टी सिक्स ए प्लस फाइव डी सिक्स माइनस वन बराबर 17. फिर इलेवेंथ टर्म दिया है ए प्लस इलेवन माइनस वन मीन ए प्लस 10 डी बराबर 32. सॉल्व करेंगे 5d बराबर 15, तो d की वैल्यू आ गई 3. अब d यहाँ 3 रखेंगे तो a की वैल्यू आ गई 2. 20th टर्म t20 क्या होगा a प्लस मीन्स 2 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू डी 3 कितना आंसर आया 59. नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे इन एन एपी इफ टी पी इज इक्वल टू क्यू टी क्यू इज इक्वल टू पी देन फाइंड आर एथ टर्म. तो आर एथ टर्म कैलकुलेट करें. टी पी मतलब पी एथ टर्म क्यू है, टी क्यू मीन्स क्यू एथ टर्म पी है, तो आर एथ टर्म कैलकुलेट करना है कि आर एथ टर्म क्या है. ठीक है बनाइए इसे. आरएथ टर्म आ गया. फर्स्ट टर्म क्या ले लें ए कॉमन डिफरेंस बी ऐसे टी क्यू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी सर पी प्लस क्यू माइनस आर सब्ट्रैक्ट करिए पी माइनस क्यू इंटू डी बराबर क्यू माइनस पी. तो डी बराबर आ रहा है माइनस वन ठीक है. इसको फर्स्ट में रख दिया तो a बराबर यहां से आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन. यस सर. आरएथ टर्म पूछा है a प्लस मीन्स p प्लस क्यू माइनस वन प्लस r माइनस वन इंटू डी, डी है माइनस वन, यहां से आ गया आंसर p प्लस क्यू माइनस r. यही है आंसर क्वेश्चन नंबर टू का. नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री. इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो आर इन द रेशियो 7n plus 1 is to 4n plus 27. Then find the ratio of their 11th term. Then find the ratio of their 11th term.
दो एपी है, फर्स्ट एपी के लिए फर्स्ट टर्म ए और डी ले लेते हैं स्मॉल ए डी, एंड सेकेंड एपी के लिए क्या लेते हैं कैपिटल ए एंड कैपिटल डी. फाइव बाई फोर नहीं है. तो अब कहा गया दोनों के सम का रेशियो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एस एन. फर्स्ट एन टर्म्स का सम पहले वाले में क्या होगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. स्मॉल ए और डी यूज किया मैंने, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम है एन. यहाँ पे ले लिया टू कैपिटल ए एन माइनस वन कैपिटल डी. ये रेशियो क्वेश्चन में दिया है सेवन एन प्लस वन अपॉन फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन. ये एन बाई टू कैंसिल. यही तो दिया है क्वेश्चन में, देखिए ये रेशियो दिया है. अब क्वेश्चन अब क्या पूछा गया इलेवेंथ टर्म का रेशियो स्मॉल टी इलेवन अपॉन कैपिटल टी इलेवन. स्मॉल टी इलेवन क्या हुआ ए प्लस इलेवन माइनस वन मतलब टेन डी अपॉन डिनोमिनेटर में कैपिटल ए प्लस टेन टाइम्स कैपिटल डी. तो हम यहाँ क्या चाहते हैं ए प्लस टेन डी है. देखो यहाँ टू से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एल एच एस में ऊपर वाले एक्सप्रेशन में तो क्या आएगा ए प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू डी अपॉन कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू कैपिटल डी बराबर सेवन एन प्लस वन अपॉन फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन आएगा. अब यहाँ पे हम चाहते हैं इसके प्लेस पर क्या हो टेन हो मीन्स एन माइनस वन बाई टू बराबर टेन. मतलब एन की वैल्यू कितनी रख दें ट्वेंटी वन. तो इसमें एन की वैल्यू ट्वेंटी वन रखोगे पुटिंग एन इक्वल टू ट्वेंटी वन यही रेशियो आ जाएगा ए प्लस टेन डी अपॉन कैपिटल ए प्लस टेन डी. और इधर आर एच एस में क्या हुआ सेवन इंटू ट्वेंटी वन प्लस वन अपॉन फोर इंटू ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी सेवन कितना बन गया 147 प्लस 1 148 अपॉन 111 37 से कैंसिल होगा ये आंसर हुआ 4:3. ये आंसर है 4/3. देख लीजिए किसी को डाउट है तो बताइए. सर एक मिनट नोट करेंगे. द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी is 5 and the last is 45. And sum is equal to 400. Then find number of terms and common difference. Number of terms and common difference of AP. बनाइए इसे. First term of AP 5 है, last 45 है. AP का terms का sum 400 दिया है. तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस बताना है एपी का क्या होगा. सर एन 16 है. ठीक है डी एट बाई थ्री सही. तो सम ऑफ एन टर्म्स है 400. लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो एन बाई टू फॉर्मूला क्या है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो 5 प्लस 45 50 बैठ गया. तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 16. कॉमन डिफरेंस d है तो l जो लास्ट टर्म होता है 45 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मींस 16 माइनस 1 इनटू d. तो यहाँ से d आ गया 40 अपॉन 15. 5 से कैंसिल हुआ 8 अपॉन 3 ये है. फिफ्थ लिखे if sum up फर्स्ट थ्री टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी इज 27 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स सम ऑफ देयर
squares is 293, then find sum up. First, five terms. Then find sum of first five terms of AB. First three terms का sum दिया है, एक increasing AC का 27 और उनके squares का sum है 293. तो first five terms का sum calculate करना है, क्या होगा जी? जल्दी बनाएं. टर्म क्या ले लेंगे आप? ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ऐसे ही तो स्टार्ट करेंगे. टर्म क्या हुआ सर? 95. 3a इक्वल टू 27. 95 जी सर. 95 नहीं सर, 25. चेक करो, 25 तो तीन टर्म का ही सम 27 है. अच्छा हां, सॉरी, क्या सॉरी, वो गलत है. ए 9 हो गया. तो टर्म्स क्या है? 9 माइनस डी सर 45 प्लस डी 45 भी नहीं दिया है बेटा. देखिए ये है 9 माइनस डी, 9 प्लस डी, स्क्वायर्स का सम दिया है 293. 95 आ रहा है सर. 70 सही आंसर है. 70 कृष्णा सही. ये देखें, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये आ गया ए 9. इससे d कैलकुलेट करिए, यहाँ से आएगा d square 2d square माइनस 18d प्लस 18d कैंसिल, 293 माइनस 243 आ गया 50, तो d square 25, तो d आ गया प्लस 5 क्योंकि इंक्रीजिंग ap है, तो d ग्रेटर देन 0. तो टर्म्स क्या है? 9 माइनस d, मतलब आ गया 4, फिर 9, फिर कितना आया 9 प्लस 5, 14. आगे का टर्म भी लिखना चाहें तो कॉमन डिफरेंस डी के साथ लिख सकते हैं. कितना हुआ? 14 प्लस 5, 19, फिर 24. ऐड करिए इनको, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं या फिर सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं. सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म. लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ फर्स्ट टर्म ए नहीं है. फर्स्ट टर्म ए 9 लेकर के अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो सम गलत आएगा, क्योंकि आपने फर्स्ट टर्म ए माइनस डी लिया है. यस सर, गलती कर दी. तो सम क्या होगा? 5/2, 2a, तो 2 into 4, फर्स्ट टर्म हो गया 4, प्लस कॉमन 5 माइनस 1, 4 into कॉमन डिफरेंस 5, ये आ गया 28/2, 14 into 5, 70, ये आंसर. ऑफरिंग सॉल्यूशन बताइए, कोई दिक्कत है तो. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द सम ऑफ is 100 square minus 99 square plus 98 square minus 97 square less up to 2 square minus 1 square. Find the sum 100 square minus 99 square plus 98 square minus 97 square up to 2 square minus 1 square.
रॉबर्ट कैलकुलेट कीजिए, आंसर बोलिए जिसका जाए, बोलिए जरूर आंसर, कोशिश करिए और बनाते ही बताएं। तो इस टर्म एस को देखिए ऐसे लिख सकते हैं, दो दो टर्म एक साथ ले लीजिए, क्या फॉर्म लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख लें, ऐसे सेकंड को लिख लें, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे ही लिखते जाएं, लास्ट वन टू माइनस वन टू प्लस वन, 100 माइनस 99 कितना होगा 1, जो माइनस वाला है उसकी वैल्यू रख दें, इनकी वैल्यू 1 1 1, जो डिफरेंस है सम वाले को ऐड नहीं करना है, बस इसकी वैल्यू रखिए, पहला वाला क्या अब बाकी वैसे रख दीजिए, 100 प्लस 99, नेक्स्ट क्या मिला 98 प्लस 97, फिर नेक्स्ट ऐसे मिलता जाएगा 2 प्लस 1, या रिवर्स ऑर्डर में इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100 तक आ गया ये सम, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम, n into n plus 1, 100 into 100 1 by 2, that is 50 into 101, 50, 50, 1 से 100 का सम क्या होता है, 5050, 50, 50 ये आंसर आता है, 7, if A1, A2, A3, up to A36, are in AP, ये terms AP में, and A1 plus A8 plus A15 plus A22 plus A29 plus A36 is equal to 111. Then find summation R is equal to 1236 AR. Six, six, six. सही है, फर्स्ट टर्म में एक कॉमन डिफरेंस डी लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अभी एक आपको बताया था सब स्क्रिप्ट का सम देखा करो, तो A1 प्लस A36 ये बराबर है A8 प्लस A29, देखो 1 और 36 का सम 37, 8 प्लस 29 37 बराबर A15 प्लस A22 है, इस इक्वल टू A15, 15 प्लस 22, 37, तो ये फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट और ये थर्ड एंड थर्ड लास्ट सेम है, मतलब मैं इसके प्लेस पे कर सकता हूँ, एक्सप्रेशन है 3 टाइम्स A1 प्लस A36 बराबर 111 हो गया, दो दो पेयर बन गए, तीन पेयर बने यहाँ पे और सभी पेयर इक्वल है, मतलब A1 प्लस A36 की वैल्यू कितनी आ गई 37, अब आपसे कहा गया समेशन R इज इक्वल टू 1236 AR, इसका क्या मतलब है A1 प्लस A2 अप टू A36, तो 36 टर्म्स का सम AP के, क्या फॉर्मूला होगा 36 बाई टर्म प्लस लास्ट टर्म, 36 बाई 2 18 इंटू 37 मल्टीप्लाई करिए, यही आंसर है 666। क्वेश्चन नंबर 8, इफ A1, A2, A3 अप टू AN आर इन AP, देन प्रूव दैट 1 अपॉन रूट A1 प्लस रूट A2 प्लस 1 अपॉन रूट A2 प्लस रूट A3 1 upon root A3 plus root A4 up to 1 upon root AN minus 1 plus root AN is equal to N minus 1 upon root AN plus root A1. Nice.
यह है क्वेश्चन नंबर 8। तो एपी में है तो हम ये कह सकते हैं a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, an - an - 1, ये सब इक्वल होंगे, बस दैट इज इक्वल टू डी, दैट इज जो वोल्ट कॉमन डिफरेंस डी। यहाँ LHS लें और इसे रेशनलाइज अगर हम करें तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, √a1 - √a2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a1 - a2, a1 - a2 की जगह क्या लिख दीजिए, -d। ऐसे ऐसे सेकंड टर्म को रेशनलाइज कीजिए, √a2 - √a3, यहाँ टर्म क्या आएगा, a2 - a3 - d, इस तरह से लिखते जाइए। लास्ट वन क्या आएगा, √an - 1 - √an अपॉन -d, -d तो सभी का डिनोमिनेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, जब न्यूमरेटर ऐड करोगे तो ये टर्म्स मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म मिलेगा, दैट इज √a1 - √an अपॉन -d मिल जाएगा। इसे फर्दर रेशनलाइज कर दिए तो डिनोमिनेटर में आ गया √a1 + √an और न्यूमरेटर में आ गया a1 - an। an क्या है, nth टर्म, nth टर्म का आप लिख सकते हो a1 + n - 1 × d। यहाँ a1 कैंसिल, d कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया n - 1 / √a1 + √an, यही RHS में लिखा है। यही है ना, नाइन्थ लिखे, एफ ए बी सी आर इन एपी, देन प्रूव दैट b + c। अरे सॉल्यूशन के स्टार्ट में a2 - a2 क्या लिखा आपने, a + b आर इन एपी, a2 - a1 आर इन एपी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये सभी कॉम सेम होंगे ना, वही लिखा है, नोट करिए। और अगला क्वेश्चन आइए और ध्यान से सुनिए, जब बनाया जा रहा है तो लिखने वाली जो अगर कहीं कोई मिस्टेक होगी तो वो अपने आप समझ में आ जाएगी, जब सोल्यूशन बताना स्टार्ट करें तो केवल सुनने पे ध्यान दें, ध्यान से समझने पर कि किस तरीके से बताया जा रहा है। ABC आर इन AP, देन प्रूव दैट B + C, C + A, A + B आर इन AP। हो गया सर। हो गया? यस सर। कैसे करेंगे बेटा? सर इसमें ABC AP में तो इसका मतलब twice of B equal to A + C। और अगर नीचे वाले को भी एपी में करना है तो नीचे में भी ये होना चाहिए twice of a + c equal to a + b + b + c। ठीक ठीक है, ऐसे तो कर सकते हो जैसे बता रहा है, ठीक है, b = a + c और वैसे ही, या फिर प्रॉपर्टी से भी बना सकते हैं, क्या बताया है, अगर एक एपी हो तो उसमें सेम वैल्यू सब में सब्ट्रैक्ट कर दें, मान लो मैं सब में a + b + c माइनस कर देता हूँ, सेम के माइनस करने से या के ऐड करने से, मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से भी एपी तो आती है, अगर मैं सब में सेम रियल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो एपी मिलती है, तो मैंने a + b + c सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये यहां कैंसिल, ये बनेगा -b + c, यहां भी कैंसिल, -c + a, -a + b, ये एपी में होगा। अब मैं अगर -1 से सब में मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड करूं तब भी एपी होगी, तो b + c, c + a, a + b भी क्या है, एपी में। ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को, बाकी 2b = a + c वाले से भी किया जा सकता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे. इफ पी एथ यू एथ एंड आर एथ टर्म्स ऑफ एन एपी terms of an AP are A, B, C, then find A into Q minus R plus B into R minus P plus C into P minus Q. Then find its value. PS, QS, RS are terms of an AP. A, B, C है तो A into Q minus R plus B into R minus P plus C into P minus Q की वैल्यू कैलकुलेट करें. ए पी एस टर्म है, मान लेते हैं स्मॉल ए लिखा हुआ है तो हम फर्स्ट टर्म कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस डी ले सकते हो, स्मॉल डी भी कैपिटल डी भी ले सकते हो, कोई भी या एक्स वाई कोई दूसरा सिंबल जरूर रखें जो ऑलरेडी यूज हो गया है उसको छोड़ करके ए प्लस पी एस ये आ गया. इसी तरह से बी क्या होगा ए प्लस यू माइनस वन इन टू डी और सी क्या होगा ए प्लस R माइनस वन इन टू डी. ये ए बी सी की वैल्यू इसमें रख दीजिए. तो गिवन एक्सप्रेशन जीरो आ रहा है. हाँ ठीक है, सिंप्लीफाई होकर के जीरो आ जाएगा. तो यहाँ रखना है बस A प्लस पी माइनस वन इन टू डी इन टू क्यू माइनस आर प्लस बी की वैल्यू A प्लस क्यू माइनस वन इन टू डी इन टू आर माइनस पी प्लस A प्लस आर माइनस वन इन टू डी into P minus Q. अब A वाले टर्म एक साथ रख सकते हैं आप, इनमें से A कॉमन ले लीजिए बाकी ऐड हो जाएंगे. A Q minus R plus R minus P plus P minus Q. इसी तरह D वाले टर्म में से D कॉमन लेंगे P minus 1 into Q minus R plus Q minus 1 into R minus P plus R minus 1 into P minus Q. ये देखिए आर आर कैंसिल, पी पी कैंसिल, क्यू क्यू कैंसिल, ए इंटू जीरो जीरो, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी कैंसिल हो जा रहे हैं जीरो. तो इस तरीके से बस वैल्यू रखनी है और मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है तो आंसर आ जाएगा जीरो. क्वेश्चन नंबर 11. इन एन ए पी इफ एम एस टर्म is 1 upon n and an nth term is 1 by m, then find sum of first m n terms. mth term 1 by n hai, nth term 1 by m hai, तो फर्स्ट एम एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट करिए जल्दी से. एम एथ टर्म 1 बाई एन इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इन टू डी और एन एथ टर्म 1 बाई एम ए प्लस एन माइनस 1 इन टू डी
इसको सॉल्व करके a और d कैलकुलेट कीजिए, फिर वो फॉर्मूले में रखिए, 1 प्लस mn बाय 2, 1 प्लस mn बाय 2, ठीक है, ये 1 बाय mn, n से टर्म 1 बाय m, 1 माइनस 2 करेंगे तो 1 माइनस n माइनस 1 बाय m इज इक्वल टू, यहाँ आ गया m माइनस n इंटू d, एलसीएम लेंगे m माइनस n कैंसिल, तो d आ गया 1 अपॉन mn, सर ये रख दीजिए किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन 1 बाय n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू 1 बाय mn, मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय n कैंसिल, a की वैल्यू भी 1 बाय mn आ गई, ये है ना, अब सम ऑफ n टर्म्स पूछा गया था, सम ऑफ mn बाय 2, 2a इज 2 इंटू a 1 बाय mn प्लस mn माइनस 1 इंटू d 1 बाय mn, ये mn कॉमन लगे, mn mn कैंसिल, मिल गया हमारे पास आंसर 1 अपॉन 2 टाइम्स mn प्लस 1, देख लीजिए ये आंसर आएगा, कोई भी डाउट है तो बताइए, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 1 to 100 which are divisible by 2 or 3, जो या तो 2 से या 3 से डिविजिबल, सर इसने 1 और 100 के बीच में कहा है तो सर 100 को नहीं लेंगे ना, वैसे तो 1 और 100 अच्छा डिविजिबल है तो इसमें इंक्लूड करें या एक्सक्लूड, ठीक है ये है एक, तो यहाँ लिख देते हैं एक्सक्लूडिंग बोथ, ठीक है वैसे दिया होना चाहिए तो ये लिख देते हैं सर, वैसे अगर बिटवीन देते हैं तो एक्सक्लूड ही करते हैं ना जो नंबर लिखे होते हैं, नेसेसरी नहीं है, अब लैंग्वेज सीखने की जगह मैथ सीखते हैं ना, ठीक है लैंग्वेज में, इसलिए वो क्लैरिटी देते हैं कि आप मैथ का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सको, वो आते हैं कि लैंग्वेज में तो ठीक है, तो डिविजिबल बाय 2, 6 अगर हम सम कैलकुलेट करें तो कौन कौन से नंबर होंगे, 2, 4, 6 अप टू 98, 49 नंबर्स होंगे, इनका सम क्या होगा, मान लो उसको मैं एस टू लिख देता हूँ जो कि 2 से डिविजिबल है, तो 49/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एपी है 100, 4900/2 2450, जो 3 से डिविजिबल होंगे डिविजिबल बाई 3 क्या क्या आएंगे, 369 अप टू 99 एस 3 33 टर्म हुए, 33/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 3 प्लस 99 मीन्स 33 इंटू 102/51 मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 1 6 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
सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो सिक्स इंडिविजुअल कौन कौन से सिक्स ट्वेल्व एटीन अप टू 96 दैट इज 16 नंबर तो एच सिक्स क्या हुआ 16 बाई टू फर्स्ट प्लस लास्ट 102 प्लस 16 इंटू 51 ये आ गया 816 तो रिक्वायर्ड सम क्या होगा
जो 2 से डिविजिबल है प्लस जो 3 से डिविजिबल है, लेकिन इसमें 6 से डिविजिबल वाले 2 से में भी आए हैं और 3 में भी आए हैं, तो 2 टाइम्स आए हैं, तो उसको एक बार सबट्रैक्ट करेंगे, आएगा 2450 प्लस 1683 माइनस 816, कितना आ गया 3317। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन प्रूव दैट बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन ए पी जी सर, हो गया हो गया ठीक है। वैसे ही इसमें भी अप्रोच कर सकते हैं, देखिए ए बी सी एपी में है, जैसे अभी आपको बताया था ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें मल्टीप्लाई करें, तो अगर मैं इसे माइनस टू से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो भी एपी होगा। अब इसमें ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तो भी एपी, मतलब पहला वाला क्या बन गया बी प्लस सी माइनस ए, सेकेंड मिला सी प्लस ए माइनस बी, और थर्ड मिल गया ए प्लस बी माइनस सी। अब फिर इसमें ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब में, ए प्लस बी प्लस सी से तो भी एपी हो। अब यहाँ देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या बनेगा पहला वाला बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा बन जाएगा सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और थर्ड बन जाएगा सी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दे आर इन एपी। फोर्टीन्थ लिखें, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी देन प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, तो प्रूव करें। फर्स्ट वन, वन अपान बी प्लस सी, वन अपान सी प्लस ए, वन अपान ए प्लस बी आर इन एपी। सेकेंड है ए अपान बी प्लस सी, बी अपान सी प्लस ए, सी अपान ए प्लस बी आर इन एपी। दो क्वेश्चन है, बनाइए इसे।
बनाएंगे उसी तरह से प्रॉपर्टी से, देखिए इसी प्रॉपर्टी से बनाना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में मैं सब में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐड कर देता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐड किया, क्या होगा इससे ध्यान से देखें, फर्स्ट टू टर्म में ए कॉमन लोगे ए प्लस बी, लास्ट में सी कॉमन लोगे ए प्लस बी, मतलब ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। इसी तरह से दूसरे में क्या आएगा बी प्लस ए, मतलब ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ऐसे ही नेक्स्ट क्या आएगा ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी, ये सभी ए पी में। अब अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, डिवाइड बाई ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, तो वो भी ए पी बनेगी, सेम टर्म से डिवाइड कर रहे हो, पहले में ए प्लस बी ए प्लस सी कैंसिल होगा, मतलब बन जाएगा वन अपॉन बी प्लस सी, फिर वन अपॉन सी प्लस ए, वन अपॉन ए प्लस बी, दे आर इन ए पी। ये है फर्स्ट वन, देख लें कोई भी डाउट है तो बताइए। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में ही एक स्टेप और आगे बढ़ के बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दो तो ए प्लस बी प्लस सी अपान बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपान सी प्लस ए, ए प्लस बी प्लस सी अपान ए प्लस बी, ये भी ए पी में होगा। फर्स्ट टर्म को कह सकते हो ए अपान बी प्लस सी प्लस वन, ये बी प्लस सी में डिवाइड कर दो अलग अलग। इसी तरह से सेकेंड वाले को क्या कह सकते हो बी अपान सी प्लस ए प्लस वन, थर्ड वाले को सी अपान ए प्लस बी प्लस वन, ऐसे लिख सकते हैं। और सब में सेम टर्म सब्ट्रैक्ट करने से भी ए पी होगी, तो वन माइनस कर दें तो ये आ जाएगा ए अपान बी प्लस सी, बी अपान सी प्लस ए, सी अपान ए प्लस बी, दे आर ऑल्सो इन ए पी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 15, इन एंड ए पी। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है सर, इसमें ये दे रखा उसे ये प्रूफ नहीं कर सकते सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन ए पी है। कर सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी तो ये तो सर ये तो आपको तो पता चल गया, ये तो आपको पता चल गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ऐड करना था, हमको कैसे पता। हाँ देखो उसको जो टर्म दिया है ना ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, यहाँ पर से ऑब्जर्व करो कि देखो ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, इससे ऑब्जर्व करेंगे ठीक है, धीरे धीरे फिर वो और चलेगा कि ठीक है इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे भी अप्रोच करते हैं, इसीलिए तो सॉल्यूशंस बताया जा रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे भी अब आगे सोचें, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी करके देखो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी करके देखो, तो उनमें ए स्क्वायर के साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी आने से ये फैक्टराइज हो जाते हैं, ए पी प्लस बी सी प्लस सी ये फैक्टराइज हो रहे हैं और सेम टाइप के देखो फैक्टर्स बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इन एंड ए पी सम ऑफ पी टर्म्स इज क्यू एंड सम ऑफ क्यू टर्म्स इज पी, देन फाइंड सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स। P टर्म्स का सम Q है, Q टर्म्स का सम P है, P प्लस Q टर्म्स का सम कैलकुलेट करना। 15th
पी टर्म्स का सम, हम लगे पी टर्म्स का सम क्या हुआ, पी बाई टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये बराबर दिया है क्यू, क्यू टर्म्स का सम क्यू बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये बराबर दिया है पी, ठीक है। अब फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या होगा देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ए इंटू पी माइनस क्यू एलजेस में प्लस डी बाई टू कॉमन लोगे डिनोमिनेटर में आएगा पी एलजेस में पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, एलजेस में आएगा क्यू माइनस पी, यहाँ से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए पी प्लस पी माइनस क्यू, और यहाँ से माइनस वन, पी माइनस क्यू दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, यह मिल जाएगा ए प्लस डी बाई टू पी प्लस क्यू माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, या टू से मल्टीप्लाई कर दिए तो टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर मिलेगा माइनस टू, सब्ट्रैक्ट करने पे हमसे क्या पूछा गया, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स होता क्या है, पी प्लस क्यू बाई टू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, यही तो होता, इसकी वैल्यू यहाँ से आ गई है माइनस टू, तो ये यहाँ पे रख दो माइनस टू, तो पी प्लस क्यू बाई टू इंटू माइनस टू, ये टू टू कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया माइनस टाइम्स पी प्लस क्यू, ये आंसर है इस क्वेश्चन का 15। देखिए ये सभी एपी पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमने किए। कोई भी डाउट है तो बताइए। किसी को भी कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास शायद फिजिक्स की क्लास नहीं हो, मैसेज आ जाएगा आपके पास, फिजिक्स की क्लास कब से होती है, 10:40 से? यस सर। तो आप कहें तो उसकी जगह मैं मैथ्स का आप ठीक है आगे पढ़ लेंगे सीक्वेंस। ओके सर। यस सर। होमवर्क है, होमवर्क एक्सरसाइज टू है क्वाड्रेटिक की, ठीक है, एक्सरसाइज टू क्वाड्रेटिक की, ठीक है, और अगर कोई चेंज होता है तो मैं बता दूंगा वैसे, लेकिन कल रखते हैं क्लास इसके सर, इसमें आगे आप बोलो सर, इस चैप्टर का सर सीक्वेंस